हमारे लिए भी ऑब्वियसली बात है, शायद हम कभी भी नहीं आते इस पे फील्ड अगर या बहुत लेट आते, लेकिन एक अर्ली अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में एक हमें अपॉर्चुनिटी मिला कि एक जो है दो स्कूल थे ऐसे जिन्होंने या कई स्कूलों ने अप्रोच भी किया कि हम उनके साथ टाई अप करें। उनमें ऐसा स्कूल है जिसका पहले नाम था रविंद्रा विद्यालय और उस स्कूल के साथ हमारी बात चली, देन दे वर रेडी टू कि हम उनका जो है उनके साथ टाई अप करें। तो एक फॉर्मल टाई अप मुझे लगा कि अगर हम वैसे एक नॉर्मल टाई अप करते हैं उसके साथ किसी भी स्कूल के साथ तो हम कोचिंग का पार्टनर एज ए पार्टनर एक्ट करेंगे, लेकिन फिर उसमें जो मेरा पॉइंट बाई पॉइंट एजेंडा था वो शायद फ्रूटफुली उसमें नहीं लग पाता था। तो देन आई टॉक टू देम ऑन अदर ग्राउंड्स, फिर मैंने उनके साथ बात किया कि क्या हम किसी और तरीके से डील कर सकते हैं। तो देन हमारी फाइनल कंक्लूजन भी आया कि दे गेट एग्री कि हम जो है वो स्कूलिंग का जो ऑपरेशन और मैनेजमेंट है वो कम्प्लीटली हम आपको देने के लिए तैयार हैं। सो आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल कि जो उसका जो स्कूल का ऑपरेशन है और मैनेजमेंट है वो हमने जो है चनाकिया की तरफ से टेकअप कर लिया है, और अब इस सेशन से जो है हम वहाँ पे क्लासेस जो है वो टेकअप कर लेंगे, ऑलरेडी वहाँ पे चल रही है। और इस स्कूल का जो नाम है सबसे पहले हमने अपने लाइन में जो है चूज़ किया है, वी हैव चेंज द नेम ऑफ द स्कूल फ्रॉम रजिंद्रा लोटस पब्लिक स्कूल टू इंडस वैली स्कूल। तो स्कूल का जो नया नाम होगा वो इंडस वैली स्कूल होगा, और हमारी एफिलिएशन जो है वो चनाकिया के साथ जो है चनाकिया टाई अप में है, चनाकिया बैकअप में रहेगा, बिकॉज जो है बहुत सारी इसमें हमारे पास जो है चीज़ें हैं काम करने के लिए। तो क्योंकि लोग जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि चनाकिया एक तरीके से एजुकेशन में स्कूलिंग में आए, इसलिए हमने इंडस वैली स्कूल इसका नाम प्रपोज किया, और जो भी फॉर्मेलिटी डिपार्टमेंट के साथ रहती है वी हैव कवर्ड अप द होल ऑफ द फॉर्मेलिटी दैट इज बिग डन। और नाउ इसका जो एफिलिएशन है वो स्टेट बोर्ड के साथ रहेगा, सिलेबस जो है जो हम बच्चों को वहाँ टेकअप करेंगे दैट विल कम्प्लीटली NCERT एंड स्टेट बोर्ड, मेजर फोकस हमारा NCERT के ऊपर रहेगा। एक आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूँगा इस बात को कि NCERT का सिलेबस जो है दैट इज ऑलरेडी स्टेट काउंसिल में रहता है, नेशनल काउंसिल है डिसाइड कर रही है सिलेबस को, और इसी के सिलेबस आगे चल के जो है जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं इंडिया में तो वो सारे सिलेबस जो है वो उसी में से आता है, क्वेश्चन उसी में से होंगे, और जो सिलेबस है वो भी वही मैंशन है। तो इसलिए हम NCERT को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और जो भी स्टेट बोर्ड की गाइडलाइंस होंगी, बिकॉज वी आर एफिलिएटेड टू द स्टेट बोर्ड, तो स्टेट बोर्ड की जो गाइडलाइन होगी उनको भी कम्प्लीटली फॉलो किया जाएगा। तो मेजर जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा कि हम स्टेट बोर्ड के जो मैंशन सिलेबस हैं उनको सही तरीके से करें, और मोर ओवर साथ में इसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ हम साथ में एक और करने वाले हैं कि जो NCERT का सिलेबस है वो बहुत ही डेप्थ में और डीप मीनिंग में कराया जाएगा, सो दैट जिस भी पेरेंट का बच्चा या कोई भी बच्चा हमारे पास एडमिट करता है उसको कहीं पे भी बाहर जाके किसी तरीके की कोचिंग का कोई प्रॉब्लम ना आए, मीन्स उसको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से डिक्लेयर यहाँ करने वाला हूँ कि इस स्कूल में जो हमारी एडमिशन है एक पॉइंट वो भी है कि 6th to 12th होगी, और जो 11th और 12th में स्ट्रीम हम आर्ट्स या कॉमर्स नहीं टेकअप करेंगे, हम सिर्फ साइंस स्ट्रीम के साथ ही इसमें जाएंगे। साइंस में भी दो हमारे पास ऑप्शन रहेंगी, वन इज द नॉन मेडिकल और अदर वन इज द नॉन मेडिकल, सो दैट बच्चों को चाहे आगे जा के NDA करना है या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम टेकअप करना है, लाइक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, NEET का एग्जाम होता है, JEE का एग्जाम है, तो वो सारे के सारे एग्जाम जो है वो टेकअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मेजर फोकस 6th to 12th क्लास के साथ साथ हमारा ये भी रहेगा कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम क्लास के ड्यूरिंग होते हैं लाइक 6th से क्लास हम कोशिश करेंगे जितने भी नेशनल लेवल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल LMPRs हैं, 10th क्लास में जाके NTSC होता है, 11th 12th में KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, तो ऐसे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो बच्चे अपनी स्कूलिंग के साथ साथ टेकअप करते हैं। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल इन चीज़ों में लैग कर जाते हैं और वो अपने सिर्फ बोर्ड के तरीके से ही तैयारी कराते हैं, लेकिन क्योंकि चनाकिया का नाम इंडस वैली स्कूल है, हमारा वहाँ टाई अप है, ऑब्वियसली बात है उसको हम चनाकिया के साथ टाई करेंगे, सो दैट कि वो सारी की हमारी जो हमारी कोचिंग एक्सपर्टीज है वो शिफ्ट हो जाएगा स्कूलिंग के ऊपर साथ में।
तो बच्चों को ड्यूअल बेनिफिट जो है वो इसका होने वाला है कि बोर्ड के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम की फुल टाइम प्रेपरेशन जो है बच्चों को होगा। इसमें भी हमने दो फेजेस में डिवाइड किया है, 6 to 8 जो है हम बच्चों को जो है आफ्टर स्कूल जो है वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम 6 to 8 जो है ओलंपियाड्स की तैयारी बच्चों को कराएंगे अलॉन्ग विद द स्कूलिंग। बट 9th to 12th तक की जो क्लासेस ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है बच्चे की किसी भी क्लास के लिए, तो अपने करियर को बनाने के लिए। सो हम 9th to 12th क्या करने वाले हैं कि 9th to 12th हमने कोचिंग बच्चों का जो है वो शुरू करना है, और इसमें स्कूल में हम बेसिक तो फोकस करेंगे बट आफ्टर स्कूल चाणक्य की तरफ से जितने भी बच्चे हमारे पास इंडस वैली स्कूल में 9th to 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे उन बच्चों को चाणक्य में जो कोचिंग है इवनिंग आवर्स में, जो हमारी नॉर्मली 4:30 to 6:30 चलती है फॉर 2 आवर्स, तो वो सारी एब्सोल्युटली फ्री होगी। ये एक डिक्लेरेशन है जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मीन्स नॉर्मली इसमें जो भी फीस पेरेंट देता है शाम को, जो डिफरेंट स्कूल के बच्चे होंगे वो भी हमारे पास आते हैं चाणक्या में, लेकिन इंडस वैली स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को एब्सोल्युटली कोचिंग फ्री रहेगा हमारी तरफ से, चाणक्या की तरफ से। और साथ साथ में एक और डिक्लेरेशन मेरी तरफ से मैं करना चाहता हूँ, दैट इज कि जितने भी मार्टियर्स हैं वो आर बिलोंगिंग टू हिमाचल और इंडिया एनी वेयर, इफ दे आर दे विल बी बिलिंग टू आई कैन से टेक स्कूलिंग इन आवर इंडस वैली स्कूल चाणक्य की तरफ से। मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ इस चीज़ को कि कोई भी मार्टियर का बच्चा है, चिल्ड्रन जितने भी हों उन सभी को हमारे स्कूल इंडस वैली स्कूल या जो दूसरा हमारा टाइप वाला स्कूल है जिसके बारे में अभी मैंने बात नहीं किया है, लेकिन साथ में जो है इंडस वैली स्कूल के साथ साथ चाणक्य, इन सभी में एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री होगा, देयर विल बी नो चार्ज। तो मार्टियर के बच्चों के लिए भी इसमें जो है वो फ्री कोचिंग प्लस स्कूलिंग दोनों रहेंगे। थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इज अपना जो बच्चे इवन जो इंडस वैली स्कूल में बच्चे कोई IRDP या BPL का जो कोई कैंडिडेट रहता है बच्चा रहता है उन बच्चों को फीस में एक रिबेट रहता है हमारी तरफ से, सो देट कि हम जितना भी बेटर एजुकेट कर पाएँ बच्चों को सपोर्ट कर पाएँ। एजुकेट तो देखो बेटर ही करेंगे, आप इसी बात है फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स 2001 से हम चाणक्य में हैं और हिमाचल में वर्किंग में है 20-20वां साल लग पड़ा है, तो बेटर कर रहे हैं इसलिए रुके हुए। बट साइमल्टेनियसली व्हाट वी विश इज कि हम स्कूलिंग में भी जो है लोगों को वो एक ऑप्शन क्रिएट करें जो फिर से ऑप्शन बच्चों के लिए बेटर हो, इवन पेरेंट्स के लिए भी बेटर। तो IRDP या BPL में जितने भी लोग होंगे वी विल ट्राई टू अपनी सीटों के हिसाब से, बिकॉज जितनी भी सीट सामने हमने भरनी है वहाँ स्कूल में हर क्लास में उन सीट्स के हिसाब से एक अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट हम IRDP या BPL से भी वेलकम करेंगे अलॉन्ग विद द सन्स और डॉटर्स ऑफ और चिल्ड्रन ऑफ मार्टियर्स। मार्टियर्स के बच्चों के लिए भी जो है फ्री एजुकेशन जैसे मैंने बताया, तो वी विल कीप द सीट्स फॉर देम। सो दिस इज ऑल अबाउट। हाँ एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंटली मैं शेयर करना चाहता हूँ, जितनी भी एडमिशन्स हमारा इंडस वैली स्कूल में है वो चाणक्य के पैटर्न पे ही हम करेंगे। जैसे कि हमारा वहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी बच्चा हमारे पास किसी क्लास में एंट्री चाहता है तो उनका पहले एक लेवल टेस्ट होगा। लेवल टेस्ट को भी मैं डिफरेंट करना चाहूँगा कि लेवल टेस्ट जो है बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट स्क्रीनिंग मैं स्क्रीनिंग नहीं है, ये हम बच्चों का लेवल चेक करेंगे कि कितने एप्टीट्यूड है बच्चे का और कितना बच्चा जो है वो भी लेवल रखा उसका प्रेपरेशन का लेवल कितना, उसके हिसाब से पेरेंट्स को देना काउंसलिंग कि आपका बच्चे का लेवल अभी इतना है तो उस लेवल के हिसाब से हम आपके बच्चे को कितना आगे लेके जा सकते हैं, बच्चा पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे की कितना करने की। इवन हम पेरेंट्स को ये भी काउंसलिंग करेंगे कि 10th के बाद अगर आपको बाई चांस साइंस स्ट्रीम चूज करना है उसमें नॉन मेडिकल चूज करना है मेडिकल चूज करना है या साइंस स्ट्रीम चूज भी करना चाहिए बच्चे को कि नहीं करना चाहिए, ये सारा लेवल टेस्ट के बेसिस पे, और ये हर क्लास के लिए एक डिफरेंट काइंड का लेवल टेस्ट होगा। देन इट विल बी फॉलोड बाय द इंटरव्यू। लेवल टेस्ट के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन के साथ साथ उसका एक इंटरव्यू भी होगा बच्चे का अलॉन्ग विद द पेरेंट्स, जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक्सपर्ट इज गोइंग टू डिलीवर एवरीथिंग। तो इसमें एक्सपर्टीज का जो है वो मदद ली जाएगी कि लेवल टेस्ट के बाद लोगों को काउंसिल करना है बच्चे को काउंसिल करना है।
तो इट विल आल्सो बी अ न्यू थिंग, वो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन द स्कूल। तो इसके साथ साथ लेवल टेस्ट के साथ हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हों, चाहे वो NTSC को हो, KVPY के हों, ओलंपियाड्स या फिर प्लस टू के बाद जब हमारे बच्चे पास आउट करें तो वो पहली अटेम्प्ट में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है इंजीनियरिंग के लिए। सिमिलरली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल में MBBS मेट्रिक के लिए या BAMS या BDS में या फिर NDA, इनमें जो है बेटर परफॉर्मेंस है। तो मेन फोकस जो हमारा स्कूल में रहेगा दैट शिल बी प्रोबेबली एकेडमिक एक्सीलेंस। लोगों क्योंकि कई लोग मुझसे भी क्वेश्चन कि आपका मोटिव क्या है, इसमें ज़्यादा मोटिव जो फोकस किस चीज़ के ऊपर रहेगा, तो प्राइमरली हमारा फोकस जो है वो एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर है। देन सेकेंड जो ऑप्शन रहेगी, जो पहली ऑप्शन लोगों का है अदर स्कूल्स में रहता है, दैट इज़ अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, मीन जिसमें स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग हो, समथिंग हो, तो वो जो है वो भी रहेगा। लेकिन हमारा जो मेजर मकसद है वो बच्चों का एकेडमिक एक्सीलेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और बच्चों को हम साइकोलॉजिकली मेंटली इतना सपोर्ट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। वो अपना पार्टिसिपेट करें, अपना एजुकेशन के बाद जो है वो कंट्रीब्यूट करें, तो बहुत सारी काउंसलिंग भी हम इसमें करने वाले हैं। तो दिस इज आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। नाउ आई एम रेडी टू टेक अप योर क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी doubt or ambiguity. You talked about two schools, which one is the second one? Okay, second one is actually the Divya Public School. ये टीरा में है, वादेवी टीरा में। तो इसको भी हमने जो है सेम उसका भी ऑपरेशन और मैनेजमेंट हमने टेकअप किया है, एंड उसमें भी सेम ये जितनी भी चीज़ें जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं तो ये वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट सेम विल बी देयर। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ होगा कि जो शाम को कोचिंग है बच्चों का जो चनाक्या में इधर कैंपस में होगा दैट शेल नॉट बी अवेलेबल एन डी प्लेस, लेकिन जो कोचिंग टाइप का जो टीचिंग होगा वो दैट शेल बी ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स स्कूलिंग आवर, तो वो बच्चों को अवेलेबल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोचिंग मतलब वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी क्योंकि टीचर्स जो हैं वहाँ पे उसी लेवल के ऊपर पढ़ाने वाले हैं जो लेवल हमारा यहाँ चनाक्या में। ये जो आपने बताया था नहीं BPL और IRDP के लिए डिपेंडिंग अपॉन पॉकेट और स्ट्रेंथ ऑफ द पॉकेट हम उनको रिबेट करेंगे। मार्टियर के बच्चों के लिए फ्री, उनके लिए कम्प्लीटली।